और दक्ष चौधरी भाई आप टेंशन मत लेना, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां इस देश के 110 करोड़ हिंदू सनातनी और आपके मेरे जैसे भाई खून गिराने के लिए तैयार है। अगर गौरक्षक गुंडे हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं, और इस देश के अंदर हर एक गौरक्षक गुंडा बनेगा जिसके माई के लाल में दम होगा। अगर आज हम 110 करोड़ सनातनी अपने गौ सेवक राष्ट्रभक्त दक्ष चौधरी भाई के साथ नहीं आए तो एक बात याद रखना है, इस हिंदुस्तान में आगे ना दक्ष चौधरी जैसे राष्ट्रवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे। आतंकवादियों को डालो ना जेल में, गौ सेवक को डालना ही क्यों है? क्या अपराध है उसका? रोहिंग्याओं को मारने का अपराध है? बांग्लादेश के अंदर में इतने हिंदू मारे गए तब कोई क्यों नहीं बोला? दक्ष चौधरी भाई के लिए चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, चाहे रोड पे गड्ढे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े होंगे और खड़े रहेंगे, क्योंकि आज गौरक्षक के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो भाई आने वाली पीढ़ी हमें ना गाली देगी, थूकेगी हमारे मुँह पे। भाई बोलना नहीं चाहता, बहुत मजबूर हो गए, पानी सर से ऊपर जाने लग रहा है। वो दोगले हिंदू हैं जिनकी माँ की खटिया पे अब्दुल आकर के लेट के गए, वो दोगले हिंदू है, वो दोगले हिंदू हमने अपने बीच में ही पहचानने पड़ेंगे कौन है। आप एक बार इस फ्रेम को फोकस कर लो, आप देख रहे होंगे जो गौ माता से प्यार करते 110 करोड़ सनातनी जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, आपको कसम है गौ माता की, अगर आपने गौ माता का दूध पिया है, आज एक गौरक्षक एक कट्टर हिंदू शेर सिर्फ और सिर्फ आप 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों की लड़ाई लड़ने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे है। अगर कन्हैया कुमार में चाटना मारना अपराध है, वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू से खड़ा होकर के कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब जल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का विरोध कर रहा है कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति? उसको कह रहा है कि तुम्हारे कातिल जिंदा है। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आज आप दक्ष चौधरी भाई के लिए खड़े नहीं होंगे, इनका समर्थन नहीं करेंगे, तो आज के बाद आप सोचिएगा दक्ष चौधरी जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और ये तो अपना काम करेंगे, योद्धाओं के तो गहने होते हैं मुकदमे थाने कोर्ट कचहरी पेशी, लेकिन आप सभी आने वाली पीढ़ी जब आपसे पूछेगी, जब ये ऐसे धर्म योद्धा धर्म की लड़ाई लड़के जेल में जा रहे थे तो आप लोग नपुंसकता की तरह तमाशा देख रहे थे, कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे थे। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इतिहास उन सभी को कोई नहीं बख्शता जो अधर्म का साथ देते हैं। आप उठा लीजिए महाभारत, अधर्म के साथ द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति जो गुरु थे, कृपाचार्य जैसा व्यक्ति, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति, उनके साथ भी अगर इतिहास में गलत हुआ तो उनके उनको भी अपने प्राण त्याग करके उसका बलिदान देना पड़ा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको नपुंसक ना कहें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गाली ना दें, आपको सम्मान के भाव से देखें, इसलिए ऐसे योद्धाओं का सम्मान और समर्थन करना सीखो। आप सभी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं बांटे जाते, और जिनमें भी जमीर जिंदा होता है वो खुद ही चल करके आते, तो आज किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हैशटैग आई सपोर्ट दक्ष चौधरी चलाइए, आप इस वीडियो में हैशटैग दक्ष चौधरी से मेंशन करिए, कमेंट करिए, और इस प्रशासन को बताइए कि दक्ष चौधरी आज अकेला जेल में नहीं है, 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और सबसे पहले मैं सभी दिल्ली के सातों सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्थन देने का काम करा। हम उनकी सभी का सम्मान करते हैं जो भी हमारे साथ खड़े हुए थे, जो भाई वहाँ पहुँचे हुजूम लेकर के उनका भी बहुत ज़्यादा समर्थन, जो भाई अपनी कुछ विशेष जिम्मेदारियों की वजह से नहीं पहुँचे उनका भी हृदय से आभार, क्योंकि लड़ाई लंबी है, जो नहीं जुड़ पाए वो अब जुड़ सकते हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़ी। और अपराध क्या है इस देश के अंदर, अगर गलत तरीके से अवैध तरीके से आके रोहिंग्या रह रहे हैं तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उन रोहिंग्यों को भगाया जाए। बांग्लादेश के जब रोहिंग्या आकर इस दिल्ली के प्रदेश में रह रहे हैं तो भारत के हर एक कट्टर हिंदू सनातनी, भारत के हर एक नागरिक की यह जिम्मेवारी है कि उनकी पहचान करके उनको वापस उनके देश में भेजने का काम करें, क्योंकि ये रोहिंग्या स्लीपर सेल इस देश का माहौल खराब करते हैं। अगर यही काम दक्ष चौधरी ने करा उन रोहिंग्याओं को जो इस देश में रह करके पूरे उस्मानपुर शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर चोरी चकारी फोन छीनना स्नेचिंग करना ऐसे कृत्य को
ऐसे कृत्य डेली कर रहे थे, अगर उनको मार करके भगाने का काम करा तो मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं करा। अगर न्यायालय के ये बात मानता है कि ये गलत है तो मैं कहना चाहता हूँ देश के 110 करोड़ देशवासी गलत है, क्योंकि वो इस देश के अंदर 110 करोड़ देशवासी अपने देश के अंदर ऐसे स्लीपर सेल पैदा नहीं होने देंगे। आज मैं दक्ष भाई का छोटा भाई अभिषेक ठाकुर, छोटा भाई होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और आपको कसम है गौ माता की, श्री राम जी की, 110 करोड़ कट्टर हिंदू अगर मुझे सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और दक्ष चौधरी भाई आप टेंशन मत लेना, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां इस देश के 110 करोड़ हिंदू सनातनी और आपके मेरे जैसे भाई खून गिराने के लिए तैयार है। आर पार की लड़ाई है, भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलो पत्रकार भाई, जय श्री राम। एक मिनट भाई, एक सवाल पूछ लो। आप लोग कह रहे हैं कि आई सपोर्ट दक्ष चौधरी, बिल्कुल वो गौ सेवक है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि दक्ष चौधरी गौ सेवा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा है। आप देखिए, ये भी लिखेंगे कि आप एक गुंडा का समर्थन कर रहे हैं गौ सेवा के। आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो गौ माता को काटने का काम करते हैं, जो गौ माता को ट्रकों में भर करके बूचड़ खाने तक पहुँचाने का काम करते हैं, अगर भाई मोनू माने सर और दक्ष चौधरी जैसे भाई अपनी जिंदगी की परवाह करते ना करते हुए उनकी गाड़ियों को पकड़ करके उनको पुलिस को देने का काम करते हैं, उसके बाद गुंडे का टैग दिया जाता है, अगर गौरक्षक गुंडे हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम गुंडे हैं, और इस देश के अंदर हर एक गौरक्षक गुंडा बनेगा जिसके माइक लाल में दम होगा। मैं क्लियर कर देता हूं, अभी पत्रकार साहब ने बोली कि जो दक्ष चौधरी को गुंडा बताते हैं, मवाली बताते हैं, सब सारे कुकर्म बताते हैं, तो भैया बताते कौन है जो हमारी गौ माता को काट के खा रहे हैं, बताते कौन है जो हमारी बहन बेटी का लफ्ज़ याद कर रहे हैं, बताते कौन है जो हमारे धर्म को गाली देते हैं, बताते कौन है जो इस देश में कब्जे के नाम पे मदरसे जो बनाए जा रहे कब्जे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी पुल पे, कभी कहीं कोई, और बताते कौन है जो कट्टरपंथी हैं, जो आसमानी किताब पढ़ रहे हैं, बताते कौन है भाई साहब, बताते तो वही हैं। और अगर हिंदू ही बताते ना तो भैया वो हिंदू हैं जिनकी माँ की खटिया पे आकर के, भाई बोलना नहीं चाहता, बहुत मजबूर हो गए, पानी सर से ऊपर जाने लग रहा है, वो दोगले हिंदू हैं जिनकी माँ की खटिया पे अब्दुल आकर के लेट के गए, वो दोगले हिंदू है, वो दोगले हिंदू हमने अपने बीच में ही पहचानने पड़ेंगे कौन है जो इनका झूठ, भाई बोलना नहीं चाहता, बहुत मजबूर हो गए, पानी सर से ऊपर जाने लग रहा है, वो दोगले हिंदू हैं जिनकी माँ की खटिया पे अब्दुल आकर के लेट के गए, वो दोगले हिंदू है, वो दोगले हिंदू हमने अपने बीच में ही पहचानने पड़ेंगे कौन है। मोनू मानेसर को गुंडा बताते थे जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, सुनो गौ माता बचाइए, 1,16,000 गौ माता ऑन रिकॉर्ड पूरे गुड़गांव हरियाणा दिल्ली फरीदाबाद नोएडा के अंदर, तुम सुनो उसने 1,00,000 कुछ गौ माता बचाइए, तुम 50-10-20 ना कुत्ते ही बचा के दिखा दो, तुम कुत्ते और तुम कुत्ते ही रहोगे, जो हम जैसे लोगों को एलिगेशन लगाते हो, हम तो चाहते तुम एलिगेशन लगाओ और हमारे पे इतने इतने मुकदमे लगा दो, तैयार है तुम्हारी बैंड बजाने के लिए, जय श्री राम। देखो गौ माता को जो गौ रक्षकों को गुंडा बता रहा है ना, वो जाहिर सी बात है कि उसका आदर्श अफजल गुरु होगा वही तभी बता रहा है, जो आतंकवादियों को अपना बाप बना के घर में बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जो याकूब मेनन के लिए फांसी रुकवाने के लिए जाकर वो करते हैं ना, वही गौ सेवकों को गुंडा बता सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात भाई, एक बात बताऊं, अगर आज हम 110 करोड़ सनातनी अपने गौ सेवक राष्ट्रभक्त दक्ष चौधरी भाई के साथ नहीं आए तो एक बात याद रखना है, इस हिंदुस्तान में आगे ना दक्ष चौधरी जैसे राष्ट्रवादी पैदा होना बंद हो जाएंगे, कारण हम ऐसे अगर अपने भाइयों का साथ छोड़ते रहेंगे ना कोई हमारा भाई चंदन गुप्ता की तरह मरता रहेगा, कमलेश तिवारी की तरह मरता रहेगा। अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आने वाली नस्ल को सुरक्षित रखना है, अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें दक्ष चौधरी का समर्थन करना पड़ेगा, और हम मांग करते हैं कि दक्ष को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, आतंकवादियों को डालो ना जेल में, गौ सेवक को डालना ही क्यों है, क्या अपराध है उसका, रोहिंग्याओं को मारने का अपराध है, बांग्लादेश के अंदर में इतने हिंदू मारे गए तब कोई क्यों नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आता है, तमाम हिंदू मारे जा रहे हैं तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है, और दक्ष चौधरी जो गौ की सेवा कर रहा है तुम उसको उठाकर जेल में डाल रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर में। तो मेरा आग्रह है 110 करोड़ सनातनियों से, एक साथ आ जाओ दक्ष चौधरी को रिलीज करने के लिए, सब मांग उठाओ, कल से सभी ट्विटर पे एक हैशटैग जरूर चलाना, आई सपोर्ट दक्ष चौधरी, मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है, जय श्री राम।
भाई जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। मैं रवि हिंदू भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ दक्ष चौधरी भाई के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, चाहे रोड पे गड्ढे हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े होंगे और खड़े रहेंगे, क्योंकि आज गौरक्षक के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो भाई आने वाली पीढ़ी हमें ना गाली देगी, थूकेगी हमारे मुँह पे कि तुम क्या थे जो कट्टर हिंदू होके तुम गौरक्षकों के साथ नहीं दे सकते थे। जो आज देख रहे हो ना रील बना रहे कच्चा बादाम पक्का बादाम, ये भाई जो सोशल मीडिया पर उसका सपोर्ट कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। सपोर्ट उसका करो जो कट्टर हिंदू है, जो देश के लिए, देश धर्म के लिए और आपके लोगों के लिए खड़ा है ना, उसी का सपोर्ट करो भाई। गिरफ्तार करना तो उसे करो ना। ये कौन है सोएब जमाई? ये भाई आए दिन हिंदुओं को गाली देता है। सरकार क्या, सरकार अपने मुंह पे फेविकोल चिपका रखी है जो उनको गिरफ्तार नहीं करती हाँ। और जो ये साजिद असीदी है आए दिन हमारे भगवान पे गलत टिप्पणी करता है, मुनव्वर फारिक फारूकी है और ये इमरान, कितने भाई कितने गिनती कराऊं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? इन पे मतलब इनको कर देगा तो भाई सेकुलर हो जाओगे। अरे हद है भाई। देखो सरकार ना दो तरफा काम ना करे, काम करना हो तो सबके लिए कानून एक साथ। अगर दक्ष चौधरी को गिरफ्तार कर रहे हो ना तो सोएब जमाई को भी गिरफ्तार करने की क्षमता रखो, और अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो घसीट के लाके उसे थाने में बंद करने का भी काम करेंगे हम। इसलिए कह रहा हूँ भाई पूरे देश के लोग दक्ष चौधरी का सपोर्ट करो, समर्थन करो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ पर हमारा एक भाई दिख रहा है दक्ष चौधरी, एक बार देख लो भाई। भारत के और भारत के ही नहीं, भारत से बाहर तक के कौन कौन इस शख्स को जानते हैं वो कमेंट में बता देना भाई, कि इस शख्स को कौन से जानते हैं। हम नहीं जानते भाई ये कहाँ से आया, भारत का है इतना पता है, और कट्टर हिंदू सनातनी है, किस माँ का बच्चा है ये नहीं पता, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इसकी सोच ऐसी बनी कि मैं इस देश के 110 करोड़ सनातनियों के लिए लड़ना चालू कर दूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की डेट में पुलिस से लेकर के आर्मी से लेकर के और हमारे जो बॉडीगार्ड है ना PSO लगते हैं तो सबको तनख्वाह जाती है, लेकिन इस शख्स को एक रुपये तनख्वाह इस भारत में देने वाला व्यक्ति नहीं था। निःशुल्क गौ माता की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश के आर्मियों के और वर्दियों का सम्मान के लिए लड़ रहा है और देश की बहन बेटियों के लिए लड़ रहा है, जिन बहन बेटियों की तुम अपनी बच्चों की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ये दक्ष चौधरी लड़ रहा है। इस दक्ष चौधरी को परसों पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, इस पर झूठे मुकदमे लगे हुए थे। जिस बंदे ने इस देश में आतंकवादी जैसे सोच वाले आतंकवादी घुसपैठिए स्लीपर सेल जो तारों के नीचे से आकर के अवैध तरीके से तुम्हारे घर में रह रहे थे, तुम्हारे घर के कमरों में रह रहे थे, तुम्हारी घर की छत में, तुम्हारी गलियों में, तुम्हारी मार्केट में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे स्टेट में रह रहे थे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर के यहाँ घुसे हुए, अगर उनको मारना गलत है तो फिर पुलिस क्या कर रही है भाई, पुलिस को इनको पकड़ रही है। अगर मेरी गली मेरे इलाके मेरे मोहल्ले में लगेगा ये घुसपैठिए आकर के बैठे तो भैया मैं तो मारूंगा, मैं थोड़ी ना पुलिस को इंतजार करूंगा कि भाई ये घुसपैठिए आकर के बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको मारेंगे। भारत के लोग मार रहे हैं, जिन जिन का जमीर जाग गया वो हिंदू सनातनी उन्हें लट बजा रहा ढंग से, वही दक्ष चौधरी ने करा था। और एक गद्दार था जो कहता था भाई साहब भारत तेरे टुकड़े होंगे, JNU में खड़े होकर के वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बढ़ुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। सोच रहे हो कौन जिंदा है? हमारी देश की पुलिस आर्मी जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, मतलब कि उनको थ्रेट दे रहा मारने के लिए। अगर दक्ष चौधरी ने उसको थप्पड़ मारा है तो कमेंट में बता देना कि सही मारा है कि गलत मारा। भैया अगर कन्हैया मेरे को ही मिलेगा ना, मेरे को ही मिलेगा, कबर बना दूंगा साले की, कबर इसी भारत में कबर बना दूंगा भाई। ज्यादा लंबे विषय नहीं बोलेंगे, और जो हमारे जो सातों के सातों जो कोई क्या विधायक अपने अपनी बात तो रख ली है, पत्रकार साहब जो हमारे जो सांसद है सातों के सातों सांसद, मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के जो दिल्ली NCR भारत की राजधानी के जो 7 सांसद हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप राष्ट्रवादियों का सपोर्ट करो, हम गलत नहीं हैं भाई साहब, हम कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हिंसा बढ़ के दंगा बढ़ के ना, अगर हमारे समाज के साथ हमारे देश के साथ हमारी बहन बेटी के साथ हमारी गौ माताओं का काटते तब आकर के हम जाके कैमरे पे चिल्लाते हैं और ग्राउंड पे भी जाके कार्य करते हैं, आप हमें सपोर्ट करो। और दक्ष चौधरी को भाई पूरी सपोर्ट भाई साहब समाज करे, हम दक्ष चौधरी साहब तुमको ने भाई हाथ ऊपर कर लो, अगर हम खड़े तो 110 करोड़ सनातनी खड़े। अच्छा एक सवाल है मेरा, आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनको छुड़वाने की, आप देश के कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया है, तो कानून को थोड़ा चेंजिंग करें समझे। अगर कानून को अगर पकड़ने के ज्यादा शौक है ना तो हम रोज 100 मुकदमे दे रहे हैं, कहाँ गांजा बिक रहा है, कहाँ ड्रग्स बिक रही है, कहाँ हीरोइन बिक रही है, कहाँ चरस बिक रहा है, कहाँ अवैध तरीके से दारू बिक रही है, कहाँ अवैध तरीके से 2 नंबर की समझ लो जहरीली दारू बिक रही है, कहाँ पर गौ मांस बिक रहा है, कहाँ पर
समझ रहे हो, गुंडे मवाली, समझ रहे हो भाई साहब, गैंगस्टर कहां लोग, हम बता दे पुलिस को पकड़ने का जा रहा है, कानून के साथ साथ आप प्रशासन पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में इलीगल काम चल रहा है, उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। जहाँ पर हम खड़े हुए ना, इस जगह पे एक दूसरे जगह पे तो खुद गांजे की पुड़िया दिखती है। दक्ष चौधरी की बात कर रहे हो भाई, जो इंसान गाय की आंसू देख के लड़ जाए, आप उस देश में कैसे आतंकवादी और ये भगवा टेरर टाइप के हो सकते हैं? आप बात करते हो दोगले हिंदू कौन है, तो मैं बताता हूँ दोगले हिंदू कौन है, जो सब कुछ होता हुआ सब कुछ देखते हुए देश में क्या हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्म के नाम पे आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद भी उस चीज को नकार रहे हैं, ऐसे लोगों को दोगले हिंदू बोला जा रहा है, क्योंकि इतिहास में ऐसे हिंदुओं का नाम मिटा दिया जाएगा, ये खुद वो लोग मिटा देंगे जिनके समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं। अगर आज का हिंदू बांग्लादेश में हुई हुई घटनाओं से, पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं से अगर नहीं सीख रहा है, तो यकीन मारो मेरे दोस्तों, वो हिंदू मिट के ही मानेगा, मिट के मानेगा। सबसे पहले वो प्रहार उसी के लोगों पे करेंगे। आज एक बात बताओ, बांग्लादेश नहीं जाते, बांग्लादेश दक्ष चौधरी पे ही रहते हैं। मेरा एक ही सवाल है, दिल्ली के सारे सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समर्थन बनाए रखें। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि दक्ष चौधरी कोई क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल का ट्रीटमेंट करने के कारण उसे क्रिमिनल की उपाधि दी गई है। तो भैया गीता में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, एक और है अहिंसा परमो धर्मम धर्म हिंसा तथेव च, बोलने का मतलब है अहिंसा के साथ जो लोग अधर्मी हैं उनके साथ किया गया अहिंसा भी धर्मी है, क्योंकि वो खुद ही गलत हैं, इन गलत लोगों के साथ क्यों सिंपैथी दिखाना है। तो हमारा भाई को फुल समर्थन है, सरकार और प्रशासन से ही निवेदन है कि दक्ष भाई को जो केस है उसको सही से देखे, भाई को बरी करने की कोशिश करे, और जो भी बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, अगर कोई बहुत कोठी बंगले वाले हो, कोई बहुत बड़े वकील हो, बहुत बड़े पुलिस लाइन से हो, या कोई नेता हो, वो आए खुलकर समर्थन करें। जितने भी चैनल आपके लोगों पर दिख रहे हैं इनसे कॉन्टेक्ट करो, डिटेल लो हमारी, हम आपसे बात करेंगे और भाई को छुड़वाने में मदद करें। जय श्री राम। एक नैरेटिव बना दिया है, गोरक्षक है तो गुंडा होगा ही होगा। भाई राम की धरती कृष्ण की धरती पे अगर हम गोरक्षा की बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो कहाँ करेंगे? अगर कोई भाई अगर आज कोई अपनी जान की बाजी लगाकर कई कई लाखों गाय अगर बचा ली है अगर उन्होंने, तो अगर उसको क्या क्या नैरेटिव दिया जा रहा है, गुंडा, जैसा बोल रहा है कि भाई वो गुंडा है। अब मैं बात आता हूँ, आज एक मुसलमान अगर छींक मारता है ना, तो मैं कहता हूँ कहीं सीएम की कुर्सी भी ना वो हिलने लगती है। वही शोएब जमाई ने एक वहाँ एप्लीकेशन क्या लगाई, एक एफआईआर क्या लगाई, बिना तथ्यों की जान किए। आप कहते हैं ना आप कानून पे, मैं उंगली उठा रहा हूँ यहाँ के कानून की, यहाँ की पुलिस व्यवस्था के ऊपर, उन्होंने बिना किसी तथ्यों के सिर्फ मैनुपलेट किया। हाँ, किसके, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की कंप्लेंट आई है, उसके बिना तथ्यों की जांच किए हुए एक बेगुनाह के ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगाई कि उसको घर छोड़कर भागना पड़े, उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया, इतनी बुरी बेरहमी से मारा गया। ये हमारे बीच में वही है, पुलिस ही है ना, एक तरफ हम उनकी पीठ भी थपथपाते हैं, कहीं अच्छे काम करते हैं, मगर बीच में आपको गंदगी भी मिलेगी, उसके लिए आज आवाज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, आज हम चौथे स्तंभ की अगर हम बात कर रहे हैं इसी वजह से कि ताकि हमारे भाई को उसको न्याय मिल सके। ये जो अलग से तय कर रहे ना, आज पूरे सनातनी लोग जो है ना, आज इसकी तरफ ना एक आहें भाग, जो वो अपनी मतलब बिजीनेस की वजह से वो जो काम नहीं कर सकते, वो इसको देखकर खुश होते हैं पूरे हिंदुस्तान के, कि हाँ कोई भाई है जो गोरक्षा की बात कर रहा है, जो सच में लव जिहाद के ऊपर काम कर रहे हैं। कल को कोई भीड़ इकट्ठी होगी ना, तो कोई मंत्री नहीं आएगा, कोई पार्षद नहीं आएगा आपको बचाने, यही भगवादारी, यही गोरक्षक, यही बजरंग बली के भक्त जो है ना, यही आपको सबसे पहले बताएंगे। इसीलिए मैं कहूँगा 125 करोड़ सनातनी भाइयों को कि दक्ष चौधरी के लिए जो है ना आवाज़ उठाओ, और जितनी भी चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, लीगल तौर पे हो, हर तरीके से उसको सहयोग करे। बाकी मैं यहाँ के जो सांसद हैं, हमारे सातों सांसद, उनको भी धन्यवाद करूँगा, उनका भी मुख्य रोल रहा इसमें। जय श्री राम। आप लोग ऐसा भी बोला कि आप सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप निवेदन कर रहे हैं, आप लोग तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो सुनो भाई साहब, सवाल आप जो घुमा फिरा के पूछ रहे हो ना, सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर शांति प्रदर्शन करने बैठ जाए ना, अगर हम लोग शांति प्रदर्शन में बैठ जाएं, तो यकीन मानो पत्रकार महोदय, 2 मिनट में हमारे लोगों को ऊपर लठ उठाकर भगा देंगे। जैसे दासना में गए थे शांति प्रदर्शन करने, कितनों के हाथ पांव तोड़ दिए। सुनो, सरकार भी तभी ध्यान देता है, तभी देखना है
जब उग्र होना पड़ता है। हमारे हाथ में तो ईंट पत्थर नहीं है भाई, किसी के हाथ में ईंट पत्थर है नहीं है, सिर्फ पोस्टर है। हमारे हाथ में तो एक कट्टा सरिया ये तो नहीं है। हमारी विचारधारा देखो, एक शांति प्रदर्शन उग्र रूप में करना और एक आतंकवाद और जिहाद के साथ हाथ में पत्थर लेकर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम शांति रूप से उग्र होकर अपनी हक मांग रहे हैं, और इस पर अगर किसी को मिर्ची लग रही है तो उसको भी लगे और आपको भी लगे।